नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी के लिए, क्योंकि हर एक घर में ये मैटर चालू है। ऐसा कोई घर नहीं है कि जहाँ पे मैटर ना हो। मैटर ये है कि आप लोगों के पास जमीन है, आप कहीं प्लाट लिए हुए हैं, या चाचा दादा बाबा किसी का भी है, आपके नाम है जमीन है, जो आपके नाम है वो एक बीघे है। एक एग्जाम्पल के तरीके से आप लोगों को उदाहरण देके समझा रहा हूँ। आपको चार बीघे भी हो सकती है, चार बिस्वा भी हो सकती है, दो बीघे भी हो सकती है, दो बिस्वा भी हो सकती है, मतलब कुल मिलाकर के आपकी जमीन जो खसरा खतौनी में है और उसमें जो दर्ज है वो एक बीघे दर्ज है या एक बिस्वा दर्ज है, और मौके पे आपके इधर उधर लोग वाले लोग जो आपके करीब होते हैं, सटे होते हैं गाटा नंबर से, वो आपकी जमीन में कब्जा करके बैठे हुए हैं। जैसे कि आपका एक बीघा जमीन है, मौके पे वो 15 बिस्वा दिख रही है, 12 बिस्वा दिख रही है, 18 बिस्वा दिख रही है, मेरे तरफ 20 बिस्वा का जैसे बीघे होता है, तो आपकी तरफ जो मतलब कुल मिला करके उसमें का कुछ हिस्सा इधर उधर वाले दाब के रखे हैं, अवैधानिक रूप से कब्जा करके रखे हुए हैं। तो अब ये हर एक घर की प्रॉब्लम है, तो इसको आपको कैसे निकलवाना है वो पूरा डिटेल दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, ज्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि मैटर बड़ा है तो वीडियो भी बड़ी होगी, और ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इसकी इम्पोर्टेंस वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कौन कौन से कागज इकट्ठा करना है और कहाँ पे ले जाकर के उसको सबमिट करना है, किस किस प्रकार से आर्डर करवाना है कि आपकी जमीन को जितनी है वो तत्काल निकाल करके आपके सामने रख दी जाएगी। कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो सब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग वैसे ही जा करके कर दीजिएगा। अगर आप वैसे कार्य करेंगे तो किसी में औकात नहीं है कि आपकी जमीन को वो रख ले अपने पास। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा, अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर है तो उसके लिए वीडियो के पैकेज बना करके दूंगा, नहीं तो किसी भी प्रकार करके मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि जैसे कि आपकी जमीन एक बीघे है और अगल बगल वाले आपको आपकी जमीन को कब्जा करके रखे हुए हैं। राजस्व संहिता की धारा 24 जो है वो इसीलिए बनाई गई है कि जो ये गुंडे गवंडी लोग हैं और ये क्या करते हैं, लोगों की जमीन कब्जा करके रखते हैं, उनको निकलवाने के लिए होती है दोस्तों। जानकारी के अभाव में लोग बात उनसे निवेदन करते रहते हैं, उनके पास निवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं, ना कोई ज्यादा खर्च आएगा, मैं आप लोग जो बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ पैमाइश कैसे करवाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप तहसीली में जाइए, वहां जाकर के अपना एक खतौनी निकलवा लीजिए, ठीक, गौर से सुनिएगा, न समझ में आए तो नोट कर लीजिएगा। खतौनी निकलवा करके उसको सत्य प्रतिलिपि निकलवाइएगा, नेट से मत निकलवाइएगा, वहां जाकर तहसील से निकलवा लीजिएगा। उसके बाद एक फॉर्म आता है, उसमें लिख करके अपना नाम पता लिख करके उसके लिए नक्शा के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता, 150 रुपए जो लगेंगे दोनों चीज लेने में। नक्शे के लिए आप अप्लाई कर देंगे तो नक्शा आपके पास आ जाएगा, वो नक्शा जब आपके पास आ जाएगा आपकी फाइल जैसे कंप्लीट हो जाती है, उसे आप ले जाएंगे लेखपाल के पास। लेखपाल के पास लेके जाइए, जो अपने क्षेत्र का लेखपाल है उस क्षेत्र का, उनके पास लेके जाइएगा और उसमें ये दर्शाइएगा कि गाटा संख्या जो हमारा ये है, हमारे बगल में इनका है, पूरब साइड इनका है, पश्चिम साइड इनका है, दक्षिण साइड चक्रोट नाली नाला है, उनके लिए सबके लिए एक नोटिस भेजी जाएगी ना। तो ये पूरा ब्यौरा आप अपने से बना लीजिएगा, लेखपाल साहब वहाँ पे जब जाएंगे तो उसमें वो अपना ब्यौरा लिख देंगे कि इनकी इस नंबर की जमीन इस नक्शे में इतने ब्लाट आगे इतने बाई इतने सब कुछ उसमें पूरा मतलब दर्शा दिया जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जब दर्शा दिया जाएगा तो उसकी दोस्तों दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप और एक ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं आप। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको दोस्तों 1000 रुपए एक गाटा संख्या के लगेगा, मतलब जैसे आप एक ही गाटा संख्या का कार्य कराना चाहते हैं तो
तो 1000 लगेगा। हाँ, अगर उससे सटा हुआ दूसरा भी गाटा संख्या है तो 1000 में काम हो जाएगा। अब जैसे कि एक गाटा संख्या यहाँ है और एक गाटा संख्या अलग है, आपकी जमीन दो जगह है, दोनों जगह वही लफड़ा में फंस रही है, आप दोनों निकलवाना चाहते हैं साथ में, तो उसके लिए 1000 रुपए अलग से आपको ऑनलाइन फीस जमा करना होता है। जैसे ही दोस्तों आप लोग ये कार्य करेंगे, इतना वहां से जा करके पूरी फाइल कंप्लीट करवा लेंगे। अगर आपके पास एक गाटा है, सभी दस्तावेजों के साथ आवेदक के प्रत्येक गाटा संख्या के लिए 1000 रजिस्ट्री चलान के माध्यम से जमा करने होंगे। मैं जो बात बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, लिखित हुई बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि इधर उधर कूड़ा एक बात बता रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप करेंगे तो अब आपके जब आपका उसमें करेंगे ऑनलाइन सबमिट करवा देंगे, आपका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास। आपकी जो प्रार्थना पत्र जाती है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा उसी दिन या उसके अगले दिन, मतलब जैसे अब आज आप ऑनलाइन फॉर्म भर दिए हैं, उसी दिन या उसके अगले दिन या कुछ दिन के बाद आपका जैसे नंबर आता है तो वहां पे से एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वहां से ऑर्डर कर देंगे कि भाई इनका क्या मैटर है। अगर इनका यहाँ पे 1 बीघे जमीन है तो कौन सी ऐसी गुंडी तैयार हो गई है या गुंडा तैयार हो गया कि इनकी जमीन हड़प के बैठा हुआ है। ये बता रहे हैं कि 15-20 वर्ग मौके पे है और यहाँ पे हकीकत में इनकी जमीन 1 बीघे है या 5 बिसवा जमीन है और मौके पे इनके 3 बिसवा है, यहाँ पे हकीकत में 5 बिसवा दिख रहा है, तो भाई कैसे कब्जा करके रखा है, इसे जा करके जल्दी से जल्दी तत्काल निपटारा करवाया जाए। तो अब इसमें दोस्तों किसी के पावर काम नहीं आएगी। पावर क्या करेगा, क्या कागज खा लेगा, नक्शा मिटा देगा? पावर सिर्फ घर तक ही रहती है, वहीं मोहल्ले तक। उसके बाद जब कागजी कार्रवाई कलम की ताकत आदमी अजमाने लगता है तो सबकी पावर अपने आप खत्म हो जाती, जेब में रख लेते हैं, कलम ही जेब से निकाल के चलती है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों जैसे ही आपको का निवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा उसी दिन उसके अगले दिन आदेश पारित करेंगे और राजस्व निरीक्षक कानून को अथवा अन्य राजस्व अधिकारी को सीमांकन या पैमाइश के लिए निर्देश दे दिया जाएगा। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होते हैं दोस्तों इनको मजिस्ट्रेट आर्डर दे देंगे कि आप जाइए और ये कार्य करवा के आइए। अब ये नहीं कि वहां जाकर बैठ गए कि हाँ हम आगे करवा दें, उसका भी एक रिकॉर्ड देना पड़ता है। कानून बुक के द्वारा सीमांकन का कार्य करने के बाद और सभी संबंधित पक्षों को नोटिस खातेदार को दिया जाएगा, यदि वह मौजूद नहीं है तो परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दी जाएगी। नोटिस भूमि प्रबंधक समिति अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान को भी दी जाएगी। ग्राम प्रधान किस लिए दी जाएगी, बताया ना कि नाली है, चक्रोट है, तो उनको भी दिया जाएगा भाई, ग्राम प्रधान भी जाएंगे। नोटिस चारों तरफ को दी जाएगी, जो बताया ना कि इनका नाम उनका नाम सब देना है आपको, चारों लोगों को नोटिस पहुंचेगी। अब जिस दिन का टाइम रखा जाएगा ये चारों वहां पहुंचेंगे, आप भी वहां पहुंचेंगे, यहां से अधिकारी पहुंचेंगे, उधर से जो आपके चकबंदी जो है चारों तरफ जो मेयर है आपकी, जो चार लोग हैं, इधर कौन उधर कौन उधर कौन है, और प्लस ग्राम प्रधान, क्योंकि नाली चक्रोट भी होती है तो उनको भी नोटिस करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इतना आप करवाएंगे, जैसे ही इनको नोटिस पहुंचेगी सीमांकन सर्वे कानून द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रभावित एक सीमा का समय तैयार कर, जो बताया ना कि सब लोग इकट्ठा जाएंगे तो वहां पे सब लोग इकट्ठा पहुंच जाएंगे। सीमांकन प्रक्रिया के 15 दिन के भीतर कानून को अपनी रिपोर्ट फील्ड बुक सहित स्पॉट मेमो के साथ उप जिला अधिकारी SDM को भेजेंगे। जैसे बताया ना कि आपने वहां क्या किया, ये नहीं कि वहां जाके लेन देन करके भैया फिर वही कहानी चालू हो गई। अगर ऐसा होगा एक नोटिस फिर जाएगी तो वो चाप चढ़ जाएगी, उनकी जाएगी। अगर आप ये कार्य कर दिए दोस्तों घबराइएगा नहीं, बिल्कुल वो काम आपका होना ही है। अब इनमें औकात नहीं इतनी कि आपका काम होने से रोक दें, क्योंकि इनको एक रिपोर्ट फिर से देना पड़ता है कि हम वहाँ गए हैं, सब कुछ काम फाइनल करके आए हैं, वो रिपोर्ट लग गई है। अगर आप दूसरा कर दिए कि नहीं ऐसे से ऐसी गड़बड़ी हमारे साथ किया गया है, इनको लेने के देने पड़ जाएगी, नौकरी खतरे में आ जाएगी, इसलिए गलत काम नहीं करते हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद उप जिला अधिकारी 1 सप्ताह के भीतर सभी प्रभावित पक्षों को नोटिस जारी करके 15 दिन के भीतर आपत्ति दाखिल करने का मौका देंगे। कि जैसे हम जो दिए हैं, अगर हमारे बगल वाला कोई किसी प्रकार की दिक्कत में है तो 15 दिन को उनको टाइम दिया जा रहा है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो 15 दिन के अंदर आप भी आकर के नोटिस करिए, आप भी बताइए, अपना पक्ष रखिए कि हम ऐसे नहीं इस प्रकार से नहीं, इस दरवाजे से नहीं, इस दरवाजे से। अरे जा भाई, कि कोई भी दरवाजा हो, कहीं भी आपको जाना है तो उसके 4 रास्ते होते हैं, पहुंचेगा तो वही स्थान पर ना। हमारे कागज में 1 बीघा तो 1 बीघा हमें मिलेगा ना, उनको घूमने दो, भीतर आपत्ति दाखिल करने का मौका दे। अगर उप जिला अधिकारी SDM को कोई आपत्ति मिलती है तो उसका निपटारा करेंगे, अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो किसी नियत दिनांक पर उप जिला अधिकारी सभी पक्षों को सुनने के बाद
समुचित आदेश देंगे। समझ गए दोस्तों आप, जो मैं अभी तक बताया कि आप जैसे ही राजस्व संहिता की धारा 24 का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सरल तरीके में है, आप लोग अगर वहां जाते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा ले लेंगे, उनके चक्कर में मत पड़िए ज्यादा पैसे के, जिसमें ज्यादा पैसा वैसा नहीं लगता है। अगर आपको नहीं ज्यादा मालूम है तो जा करके छोटा सा कोई वकील कर लीजिएगा, ज्यादा बड़ा ना वकील करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें जो कुछ दर्शाया गया बिल्कुल सच है, सच को कोई लांघ नहीं सका है आज तक, सच के लिए कोई दरवाजा नहीं बना है कि उसको बंद कर सके, क्योंकि एक छोटा सा प्रकाश पूरे कमरे में उजाला फैला देता है और अंधेरे को दूर भगा देता है। ये वही अंधकार है जो आप लोगों को दबा के रखे हुए हैं। जिस दिन आप ये क्रिया कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। अगर ये क्रिया करने के बाद आपका काम नहीं हो रहा है तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा, मैं यहां से बैठे बैठे आप लोगों का पूरा कार्य करवा दूंगा। अगर कोई भी अधिकारी ऐसे कार्य में लापरवाही बरतेगी तो उसकी खैर नहीं है, उसके लिए भी नियम कानून बने हुए हैं कि अगर ये अधिकारी कार्य नहीं करता तो उसके लिए कैसे कार्रवाई की जाएगी। अगर गलत कार्य करके वहां पे आया, कुछ ले दे करके इधर उधर करके अगर करप्शन में लिप्त पाया गया तो उसकी नौकरी चढ़ जाएगी। दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं ये बात आपको बार बार बता रहा हूँ। आपको जमीन अगर आपकी है तो आप उसे लेने के लिए बिल्कुल राजी हो जाइए, वो हमारी है, हम लेके रहेंगे, किसी गैर का नहीं, ना चोरी है ना चकारी है, ना कहीं डाका डाल रहा है, ना कोई झूठ, हम सत्य है, सत्य में दुनिया चलना चाहता है, सत्य की ओर चल रहे हैं, कोई मना नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देंगे तो मेरा नोटिफिकेशन वीडियो बनाऊंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, और आप उस वीडियो को देख करके अगर इस प्रकार के मैटर से फंसे हुए हैं तो निकलने का पूरा तरीका आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।